दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों आज है 21 जून 2020। एक बार फिर से हम आपके लिए आज की 7 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। इन फॉर्म को भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल इंडिया की वैकेंसीज है, मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। कुछ भर्तियों के लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा, अलग अलग योग्यताओं से आप अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि किन किन विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आज की 7 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें शास्त्री लैंग्वेज टीचर, जूनियर इंजीनियर, वीडियो फिल्म एडिटर, सर्वेयर, आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट, जूनियर ड्राफ्टमैन, लॉ ऑफिसर, क्लर्क, ऑफ्थैल्मिक ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर, जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, मार्केटिंग असिस्टेंट, टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट, मिल्क प्रोसेसमेंट असिस्टेंट, प्लांट ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और जूनियर ड्राफ्टमैन की 896 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सैलरी 5,910 से 20,200, 6,400 से 20,200, 10,300 से 34,800 अलग अलग पोस्ट के लिए। 10th 12th ग्रेजुएट डिप्लोमा, ITI, MSc, MBA, BCom से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 45 वर्ष आयु सीमा है। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी आप नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हो। जनरल या EWS के लिए ₹360 आवेदन शुल्क है। जनरल IRDP, PH, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, वार्ड ऑफ EX सर्विसमैन जो HP स्टेट के, उनके लिए ₹120 शुल्क है। SC जो HP के हैं, ST OBC जो HP के, सभी के लिए ₹120 शुल्क है। फीमेल कैंडिडेट EX सर्विसमैन ब्लाइंड ऑफ HP या विजुअली इम्पायर्ड ऑफ HP के लिए कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। HP हिमाचल प्रदेश जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। HP SSB.HP.gov.in HP ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन कल से स्टार्ट होंगे। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 22 जून 2020 है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 21 जुलाई 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस मैनेजर, लीड ट्रेनर, ट्रेनर असिस्टेंट ई गवर्नेंस मैनेजर की 166 वैकेंसीज है। 30,000-35,000 सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। BBTech MCMSC से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। आवेदन शुल्क की जानकारी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। गेट से चेंज किया जाएगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। मध्य प्रदेश जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। MAPIT.gov.in पोर्टल से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। COVID-19 के चलते लास्ट डेट एक्सटेंडेड कर दी गई है। सबसे पहले 20 अप्रैल थी, उसके बाद 5 मई की गई, एक बार फिर से इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आप इस भर्ती के लिए 31 जुलाई 2020 तक अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पब्लिक सर्विस कमीशन में। लोक सेवा आयोग में भर्ती निकली है। पोस्ट है प्रेसमैन, बाइंडर, स्क्रीन मैन की वेरियस वैकेंसीज है। सैलरी आप नोटिस से पोस्ट वाइज चेक कर सकते हो। 8वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। फीस आपको ₹150 जमा करनी होगी। सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू से किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। सिक्किम जॉब लोकेशन है। SPSC SCM.gov.in इसके ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 12 जुलाई 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है लाइवहुड्स मिशन में। आजीविका मिशन के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट, ब्लॉक लाइवहुड कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की 817 वैकेंसीज है। सैलरी 25,000 से 35,000, 40,000 से 50,000, 60,000 से 70,000 अलग अलग पोस्ट के लिए। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 37 वर्ष आयु सीमा है। आवेदन शुल्क की जानकारी आप नोटिस से कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हो। सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ओडिशा जॉब लोकेशन है। olm.nic.in पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 7 जुलाई 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। वन विभाग के अंतर्गत फॉरेस्ट सर्विस ग्रेड सेकंड की भर्ती निकली है। वेरियस वैकेंसीज है। लेवल 14 के अंतर्गत सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ग्रेजुएट डिग्री धारक फॉर्म भर सकते हैं। 21 से 40 वर्ष आयु सीमा है।
जनरल एससी एसटी कैंडिडेट जो अदर स्टेट के उनके लिए 300 रुपये शुल्क है, एसटी एससी बीपीएल पीएच के लिए 250 रुपये शुल्क है। पेमेंट आप ऑफलाइन कर सकते हो। सिलेक्शन होगा प्री एग्जाम, मेन एग्जाम और पर्सनैलिटी टेस्ट के आधार पर। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। त्रिपुरा जॉब लोकेशन है tpsc.gov.in, इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट 8 जुलाई 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। शिक्षा विभाग में स्कूल लेक्चरर की भर्ती निकली है। वेरियस वैकेंसीज है। लेवल 12 के अंतर्गत सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 40 वर्ष आयु सीमा है। जनरल बीसी क्रिमी लेयर के लिए 350 रुपये शुल्क है। नॉन क्रिमी लेयर बीसी और स्पेशल बीसी कैंडिडेट जो राजस्थान स्टेट के हैं उनके लिए 250 रुपये शुल्क है। एससी एसटी पीएच कैंडिडेट जो राजस्थान स्टेट के उनके लिए 150 रुपये शुल्क है। पेमेंट की अगर बात की जाए तो यमित्रा सीएससी नेट बैंकिंग एटीएम कम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से आप कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जामिनेशन और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। rpsc.rajasthan.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 7 जुलाई 2020 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 7 जुलाई 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 7th और लास्ट नंबर पर जॉब निकले वो निकले पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में। अप्रेंटिस के 125 खाली पद है। 11,000 12,000 और 15,000 सैलरी है। डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग में आईटीआई एमबीए से आप अप्लाई कर सकते हो। पीजीसीआईएल रूल के अकॉर्डिंग आयु सीमा तय की जाएगी। कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा, ना ही कोई एग्जाम देना होगा। इंटरव्यू से सीधा चयन किया जाएगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। powergrid.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 26 जून 2020 है। तो दोस्तों ये थी आज की 21 जून 2020 की टॉप 7 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अब इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन की पीडीएफ सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं। आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिए गए हैं। आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी भी अपडेट अपलोड करते हैं।